नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति ढलवेज। इस बुलेटिन में आज बात होगी नामांकन पर फंसे राहुल और स्मृति की, वायनाड में प्रियंका गांधी के दम की, जानेंगे कि आजम खान ने क्यों बहाए आंसू, सीजेआई पर लगे आरोपों का क्या है सच, और आखिर में बात ओडिशा के चुनावी विश्लेषण की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कल दिल्ली में अपने पत्ते खोल सकती है कांग्रेस, सूत्रों के हवाले से खबर। नई दिल्ली से अजय माकन और चांदनी चौक से शीला दीक्षित हो सकती हैं उम्मीदवार। परिवारवाद को लेकर एक बार फिर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर बोला हमला, पूछा कि 2019 में वंशवाद कांग्रेस पर बोझ साबित होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने जारी की नई सूची, इलाहाबाद से राजेंद्र सिंह पटेल को घोषित किया प्रत्याशी, फूलपुर से बंधारी यादव को मिला टिकट। नोएडा में प्राइवेट स्कूलों पर चला प्रशासन का डंडा, 24 घंटे में बड़ी फीस वापस लेने का आदेश, कमेटी ने स्कूलों से जल्द जवाब देने को कहा। और महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी को लेकर हार्दिक पांड्या और लोकेश राहुल पर गिरी गाज, बीसीसीआई ने दोनों खिलाड़ियों पर 20-20 लाख का लगाया जुर्माना। सुर्खियों के बाद दबात आज की सबसे बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश की हॉट सीट बने अमेठी में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। जहां एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जो राहुल से इस सीट को जीतने के लिए लाख जतन कर रही हैं। इस सीट पर पांचवें चरण में 6 मई को मतदान होगा, लेकिन उससे पहले ही दोनों नेता नामांकन में जानकारी छिपाने को लेकर घिर गए हैं। इसके बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इस बार ये दोनों चुनावी मैदान से बाहर हो जाएंगे। 1980 के बाद से ही अमेठी ने गांधी परिवार को कभी निराश नहीं किया। इस परिवार का जो सदस्य कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़ा, अमेठी वासियों ने उसे अपने सिरांखों पर बैठाया। राहुल गांधी ने 2004, 2009 और 2014 में अमेठी से संसदीय चुनाव लड़ा और हर बार जीत हासिल की। तीनों ही बार राहुल को चुनाव जीतने में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन इस बार कांग्रेस कैंप में कुछ चिंता दिख रही है। चिंता राहुल की जीत को लेकर नहीं, बल्कि उनके नामांकन को लेकर है, क्योंकि पहली बार राहुल गांधी के नामांकन पर ही सवाल खड़े कर दिए गए। नामांकन पर सवाल सिर्फ राहुल गांधी के सामने नहीं, बल्कि बीजेपी की स्मृति ईरानी की उम्मीदवारी पर भी उठाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्मृति के नामांकन पर आई आपत्तियां खारिज कर दी गई है। वहीं राहुल गांधी के नामांकन में दर्ज आपत्तियों पर जवाब देने के लिए चुनाव आयोग ने 22 अप्रैल तक का समय दिया है। राहुल गांधी के नामांकन पर ये सवाल उठाए हैं अमेठी से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय उम्मीदवार ध्रुव लाल ने चुनाव आयोग से राहुल की नागरिकता को लेकर शिकायत दर्ज की है। ध्रुव लाल के वकील रवि प्रकाश ने आयोग से कहा कि राहुल ने यूके में कंपनी से जुड़े दस्तावेजों में खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया, ऐसे में एक गैर भारतीय व्यक्ति यहां से चुनाव कैसे लड़ सकता है। इसके अलावा राहुल के शैक्षणिक दस्तावेजों में भी काफी गलतियां हैं। राहुल के नामांकन पर आई आपत्ति के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा ने कहा कि राहुल गांधी के वकील राहुल कौशिक अमेठी में नामांकन पत्र पर रिटर्निंग अफसर के ऑब्जेक्शन का जवाब नहीं दे सके हैं। उनको 22 तारीख का टाइम दिया गया है। ये आश्चर्य की बात है कि उनके पास जवाब नहीं था। कांग्रेस और राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा। जीवीएल ने कहा कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सबसे पहला सवाल है कि क्या राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं कि नहीं, क्योंकि 2004 के डिक्लेरेशन में राहुल ने कहा था कि एक ब्रिटिश कंपनी में उन्होंने निवेश किया था और 2005 में ब्रिटेन के सामने जो डॉक्यूमेंट दिए गए थे उसमें राहुल गांधी को ब्रिटिश सिटीजन दिखाया गया था। अगर वह ब्रिटिश के नागरिक हैं तो देश के नियम के मुताबिक राहुल की भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है। राहुल गांधी की ओर से अब इस पर क्या जवाब आएगा, ये 22 अप्रैल को ही सामने आएगा। लेकिन स्मृति ईरानी को जरूर राहत मिलती दिख रही है। स्मृति के नामांकन पर उनकी शैक्षणिक योग्यता और नामांकन में शामिल एक समर्थक के अमेठी की वोटिंग लिस्ट में नाम ना होने को लेकर आपत्ति जताई गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि चुनाव कार्यालय द्वारा इन आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है। वाकई नामांकन पर छिड़े विवाद ने तो अमेठी के मुकाबले को और भी ज्यादा जबरदस्त बना दिया है। अब इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल रुख पीएम मोदी के प्रचार पर कर लेते हैं। दूसरे चरण के मतदान के बाद अब 23 अप्रैल को तीसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल से बिहार और फिर उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने ताबड़तोड़ 4 रैलियों को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल में लोकसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी ममता बनर्जी को मात देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दूसरे हफ्ते पश्चिम बंगाल पहुंच जाते हैं। अब तीसरे चरण में भी पश्चिम बंगाल के 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूबे के बुनियादपुर पहुंचे, जहां उन्होंने ममता सरकार पर जमकर प्रहार किया। ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा दी जाएगी।
साथियों, पश्चिम बंगाल में धमकी, लूट और भ्रष्टाचार का एक खेल ऐसे ही चलते रहना चाहिए क्या? ऐसे ही चलते रहना चाहिए क्या? क्या स्पीड ब्रेकर दीदी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने यहाँ ममता बनर्जी पर धोखा देने का आरोप भी लगाया। आप लोगों ने ममता दीदी पर बहुत विश्वास किया, लेकिन उन्होंने आपके माँ, माटी, मानुष के नाम पर सिर्फ धोखा दिया। पश्चिम बंगाल के बाद मोदी बिहार के अररिया पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रवाद का कार्ड खेलते हुए महागठबंधन को घेरा। कुछ लोगों को आजकल भारत माता की जयकारा पर भी उनके पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं, उनको दर्द होने लगता है। जिन्हें भारत माता से दिक्कत होगी, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे लगाने वालों के साथ जाके खड़े हो जाते हहैं। यहाँ पीएम मोदी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान पर छिड़े बवाल के बीच बाटला हाउस कांड का जिक्र कर कांग्रेस पर वार किया। पीएम मोदी ने पूछा कि बाटला हाउस पर सवाल उठाना उसमें अपनी जान कुर्बान करने वाले जवान का अपमान नहीं था। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ही हिंदुओं को आतंकवाद से जोड़ा है, जिसका जवाब उन्हें साध्वी प्रज्ञा देंगी। आपको बता दें कि बीजेपी ने भोपाल से मालेगांव मामले में आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मैदान में उतारा है, जिसे लेकर विपक्ष बीजेपी पर जमकर हमला बोल रहा है। इन सब के बीच अब पीएम मोदी ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बचाव किया है। एक तरफ प्रधानमंत्री दम दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी जोर लगा रही हैं। प्रियंका गांधी आज भाई राहुल के प्रचार के लिए केरल के दो दिवसीय दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने वायनाड में भाई के लिए वोट मांगे और मोदी सरकार को भी जमकर घेरा। केरल की वायनाड सीट वैसे तो कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन अब की बार यहाँ चुनाव खास है, क्योंकि वायनाड से इस बार प्रधानमंत्री पद के दावेदार राहुल गांधी मैदान में हैं। राहुल गांधी की वायनाड सीट से मैदान में उतरने की वजह से यहां वोटों की लड़ाई और जबरदस्त हो गई है। इस जंग में भाई राहुल गांधी को जीत दिलाने के लिए बहन प्रियंका गांधी भी मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भर रही है। That the immensity of the betrayal that the BJP government has enacted for the last 5 years with the people of India truly. आज रैली में प्रियंका की जुबान से जहां मोदी सरकार की खामियां निकली, तो वहीं उन्होंने भाई राहुल गांधी की खूबियां गिनाई। The fundamental difference between what the BJP promises you and the Congress promises you is firstly that the Congress has the intention to deliver. And it has proved this. It has proved this in states where the Congress has come to power and has waived loans of farmers in the last few months itself. वायनाड में 23 अप्रैल को तीसरे चरण में मतदान होना है। यह राहुल का मुकाबला LDF से PP सुनीर और भारत धर्म जनसेना और NDA गठबंधन के उम्मीदवार तुषार वेलापल्ली से होना है। 2014 में इस सीट पर LDF का उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहा था, लेकिन इस बार NDA भी यहां जीत का दावा ठोक रही है, लेकिन कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत दिख रही है। आपको बता दें कि यह सीट 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी, तब से यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा है। सियासी समीकरण हमेशा से कांग्रेस के पक्ष में रहे हैं। यहाँ हिंदू 49.48%, मुस्लिम 28.65% और ईसाई 21.34% है, जो कांग्रेस की जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब की बार देखना होगा कि क्या वो हाथ का साथ देकर बीजेपी की झोली में हाथ डालते हैं या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। चुनावी मौसम में नेता एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। वायनाड पहुंची प्रियंका ने भी मोदी सरकार को उनके वादों की याद दिलाई और अपने अंदाज में वार किया। वहीं सपा नेता आजम खान भी 72 घंटे के बैन के बाद अब अलग ही अंदाज में विरोधियों पर वार कर रहे हैं। रामपुर में रैली को संबोधित करने पहुंचे आजम ने आंसुओं को हथियार बनाकर ऐसा बयान दिया, जिसके बाद एक बार फिर देशद्रोही बनाम देशभक्त विवाद होना तय है।
चुनाव आयोग नेताओं को लाख हिदायत देता रहा, जुबान पर काबू रखने की नसीहत देता रहा, लेकिन जब जुबान ज्यादा ही बेलगाम हो गई, तो आयोग ने नेताओं की बोलती ही बंद कर दी। योगी से लेकर माया और आजम खान पर बैन लगाया, लेकिन अब प्रतिबंध खत्म होने के बाद नेताओं का गुस्सा चुनाव आयोग पर भड़क रहा है। जहां पहले मायावती ने भड़ास निकाली, तो वहीं आजम खान ने आंसू के सहारे आयोग पर प्रहार किया है। गरीबों के घरों में कहां पैसा मिलेगा, पैसा तो कोई और बांटेगा, मैं तो मोहब्बत बांटूंगा। और है क्या मेरे पास, चंदे से लड़ना हो, ये चुनाव मेरे पास नहीं है। दरअसल सपा नेता रामपुर में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान वो भावुक हो गए और नमाकों से चुनाव आयोग पर ना सिर्फ हमला बोला, बल्कि देशद्रोही बनाम देशभक्त का राग भी छेड़ दिया। मैं सरकार से और इंतजामिया से कहना चाहता हूं, मेरे घर के दरवाजे तोड़ो, मेरे गोली मारो, मुझे मार दो, ताकि चुनाव से पहले ये किस्सा ही खत्म हो जाए। मेरा जीना इस जमीन के लिए बोझ बन गया है, मेरी वजह से गरीब सताए जा रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा ये चुनाव, मुझे मार के खत्म कर। आपको बता दें कि रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी जयाप्रदा को लेकर आजम खान ने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद आयोग ने 72 घंटे के लिए उन पर चुनावी प्रचार पर रोक लगा दी। लेकिन अब पाबंदी खत्म होने के बाद आजम के तेवर फिर आक्रामक हैं, लेकिन इस बार वो अपना प्रहार बदजुबानी से नहीं बल्कि आंसुओं से कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग बेहद सख्त होता जा रहा है। चुनाव आयोग ने एक कार्रवाई आजम खान पर की थी, वहीं इलेक्शन कमीशन ने पीएम मोदी से जुड़ी एक वेब सीरीज पर भी गाज गिराई है और इस पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी पर आधारित बायोपिक पीएम नरेंद्र मोदी की रिलीज पर अड़ंगा लगने के बाद माना जा रहा था कि पीएम से जुड़ी एक वेब सीरीज पर भी चुनाव आयोग नजरें टेढ़ी कर सकता है। इन तमाम अटकलों के बीच अब चुनाव आयोग ने इरोज नाव को अगले आदेश तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित वेब सीरीज की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग रोकने का आदेश दिया है। आयोग ने मोदी पर बनी फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के 10 अप्रैल के आदेश का हवाला देते हुए मोदी जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन वेब सीरीज पर भी ऐसे ही रोक लगाने का निर्देश दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि हमारे संज्ञान में आया है कि मोदी जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन के 5 एपिसोड आपके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। आपको अगले आदेश तक इसके ऑनलाइन स्ट्रीमिंग को रोकने और इससे संबंधित सभी सामग्री को हटाने के निर्देश दिए जाते हैं। चुनाव आयोग की इस कार्रवाई पर इसके डायरेक्टर का कहना है कि चुनाव के दौरान इसकी स्ट्रीमिंग होना महज संयोग है। सीरीज पर 11 महीने से काम किया जा रहा था, लेकिन टेक्निकल समस्याओं के चलते सीरीज को प्रसारित करने में टाइम लगा। हमारा चुनावी मौसम में इसे रिलीज करने का कोई इरादा नहीं था। खैर, अब सीरीज के डायरेक्टर कुछ भी कहें, मगर चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन तो उल्लंघन ही होता है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग इससे पहले पीएम मोदी पर आधारित बायोपिक पीएम नरेंद्र मोदी के रिलीज पर चुनाव तक रोक लगा चुका है। आयोग ने कहा कि ऐसी फिल्म जो किसी राजनीतिक पार्टी या व्यक्ति के लिए सहायक हो, उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित नहीं किया जा सकता। यह फिल्म पहले चरण के मतदान के दिन 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। चुनाव आयोग अपनी कार्रवाई को लेकर सभी के निशाने पर है। वैसे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई भी यौन शोषण के मामले में घिरे हुए हैं। आज इस मामले में अहम सुनवाई हुई, जहां चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा और सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका खतरे में है, इसके साथ ही उन्होंने इन आरोपों के पीछे साजिश की ओर इशारा किया। क्या चीफ जस्टिस को फंसाने की साजिश हो रही है? क्या केस को प्रभावित करने के लिए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के दामन पर दाग लगाए जा रहे हैं? आखिर क्यों न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर बैठे चीफ जस्टिस पर लगाए गए यौन शोषण के आरोप? इन सारे सवालों को जन्म चीफ जस्टिस के उस बयान ने दिया, जिसमें उन्होंने खुद पर लगे यौन शोषण के आरोपों को ना सिर्फ खारिज किया बल्कि साजिश की ओर इशारा भी किया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि मैं इन आरोपों का जवाब नहीं देना चाहता हूं, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि न्यायपालिका खतरे में है। अगले हफ्ते कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई होनी है, इसलिए जानबूझकर ऐसे आरोप लगाए गए। दरअसल कुछ दिन पहले ही एक महिला ने कई जजों को पत्र लिखकर चीफ जस्टिस पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। इस मामले में एक सोशल बेंच का गठन किया गया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि क्या चीफ जस्टिस के 20 सालों के कार्यकाल का यह इनाम है? 20 सालों की सेवा के बाद मेरे खाते में सिर्फ 6,80,000 रुपए है। कोई भी मेरा खाता चेक कर सकता है, यहाँ तक कि मेरे चपरासी के पास भी मुझसे ज्यादा पैसे होंगे। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता। कुछ लोग सीजेआई के ऑफिस को निष्क्रिय करना चाहते हैं। लोग पैसे के मामले में मुझ पर सवाल नहीं उठा सकते, इसलिए इस तरह का आरोप लगाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन्होंने मुझ पर आरोप लगाए हैं वो जेल में थे और अब बाहर हैं।
इसके पीछे कोई एक शख्स नहीं बल्कि कई लोगों का हाथ है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इन आरोपों के पीछे साजिश की ओर इशारा किया, जिसके बाद सवाल उठने लाजमी है कि क्या न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात ओडिशा के चुनावी विश्लेषण की। पूरे देश में चुनावी माहौल चल रहा है, लेकिन ओडिशा में नेताओं को दोहरी चुनौती से होकर गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि वहां लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव हैं, यानी जनता देश के लिए नई सरकार के साथ सूबे के लिए भी नया निजाम चुनेगी। इस पूर्वी राज्य में जीत का परचम लहराने के लिए राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन क्या कहता है इतिहास और क्या है आज का हाल, ये जानने के लिए देखते हैं ओडिशा का चुनावी विश्लेषण। पूर्वी राज्य ओडिशा, जहाँ का इतिहास यहाँ की परंपरा और पौराणिकता की कहानी बयां करता है। इस राज्य में परंपरा के जितने रंग देखने को मिलेंगे उतने ही रंग सत्ता के भी हैं। पिछले 19 सालों से यहाँ नवीन पटनायक की सरकार है। बीजू जनता दल को सत्ता से हिलाने के लिए कई दलों ने अपना दम दिखाया, लेकिन सभी बेदम साबित हुए। साल 2014 में पूरे देश में मोदी लहर चली, लेकिन ये लहर ओडिशा पहुँच कर शांत हो गई। पिछले चुनाव के इतिहास पर नजर डालें तो 21 सीटों में से सत्तारूढ़ बीजेडी को 20 सीटें मिली, जबकि दूसरे नंबर पर रही बीजेपी महज एक सीट ही हासिल कर सकी। इस चुनाव में कांग्रेस का तो सूपला साफ हो गया। इस पूर्वी राज्य में कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल सकी। कुछ सीटों पर बीजेडी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर रही तो कुछ पर बीजेपी और बीजेडी आपस में भिड़े। 11 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही, लेकिन प्रदेश में वो खाता खोल पाने में नाकाम रही, जबकि बीजेपी पिछड़ते पिछड़ते भी एक सीट निकाल ले आई। बीजेपी ने सुंदरगढ़ में 17,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। पिछले चुनाव के नतीजों से तो साफ है कि बीजेपी और कांग्रेस की राह आसान नहीं है, लेकिन बावजूद इसके दोनों पार्टियां जीत के लिए जोर लगा रही हैं। 2019 में तस्वीर थोड़ी बदली है। इस बार मुख्य मुकाबला बीजेपी और बीजेडी के बीच देखा जा रहा है। जाजपुर, कटक, पुरी, संबलपुर, सुंदरगढ़ समेत कई सीटों पर कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि जहां पटनायक ने नए चेहरों पर दांव लगाया है तो बीजेपी ने नए और पुराने दोनों को मैदान में उतारा है। ओडिशा में हवा का रुख और जनता का मिजाज बताता है कि अब की बार पटनायक बनाम मोदी के बीच टक्कर है, जहां शहरों में लोग खासकर युवा पीएम मोदी, उनके कार्यों और पुलवामा के बाद हुई बालाकोट की बात करते मिल जाएंगे, तो वहीं गांव अभी भी नवीनमय नजर आते हैं। हालांकि 19 साल के बीजेडी राज के प्रति लोगों में थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी जरूर नजर आती है, लेकिन नवीन पटनायक के खिलाफ कहीं कोई नाराजगी नहीं दिखती। अब की बार किसकी होगी जीत ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे, लेकिन फिलहाल तो बीजेपी सूबे में पूरा जोर लगा रही है, क्योंकि बीजेपी को इस बात की आशंका है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उसे हिंदी पट्टी में भारी नुकसान हो रहा है और इस नुकसान की भरपाई वह पूर्वी राज्यों से ही कर सकती है। सत्ता के फाइनल से पहले सेमीफाइनल मुकाबले में बीजेपी को तीनों हिंदी पट्टी के राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में करारी हार मिली थी। इस बार लोकसभा चुनाव में भी जनता का मिजाज कुछ इसी तरह का है। यही वजह है कि बीजेपी अपनी सीटों की भरपाई के लिए पूर्वी राज्य ओडिशा की ओर ज्यादा ध्यान दे रही है। नेताओं से लेकर प्रवक्ता और मंत्री से लेकर पीएम तक सभी ओडिशा में जमकर जोर लगा रहे हैं। सूबे में पीएम 10 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं। अब उत्तर की भरपाई पूर्वी राज्य से करने के लिए बीजेपी धुआंधार प्रचार तो कर रही है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो पटनायक का तिलस्म तोड़ जीत का परचम लहरा पाएगी या फिर बीजेडी ही एक बार फिर बाजी मारेगी। तो बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।